डेट है आज 13 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम को रिवाइज किया है अभी। ये ऑलरेडी फरवरी 2019 में लॉन्च की थी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करता है। ये स्कीम ये थी, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा उसे कुछ फ़ायदा देते हैं। जैसे ड्यूटी जो लगती है, टैक्स लगता है भाई साहब एक्सपोर्ट करने पे, उसको कम रखा जाएगा ऐसे लोगों पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर मतलब कृषि में जैसे गेहूं चावल वगैरह जो कोई बेचेगा बाहर, तो ये इस पर ड्यूटी वगैरह कम लगेगी और फ्रेट चार्जेज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उस पर छूट दी जाएगी, कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। तो अभी इसको रिवाइज किया है। पहले इसमें डेयरी प्रोडक्ट नहीं आते थे स्कीम में, यानी कि जो दूध दही या फिर दूध से और बनने वाले प्रोडक्ट, पनीर हो गया या आपका छाछ हो गया, ऐसे जो प्रोडक्ट थे इन पे छूट नहीं मिलती थी टैक्स में, लेकिन अब इन पे भी छूट दे दी जाएगी। रिवाइज किया गया स्कीम को। इसमें मान लो जो सी से एक्सपोर्ट करेगा, मतलब समुद्र के जहाज़ के जरिए जिसका एक्सपोर्ट जाएगा, उस पर 50% जो इंक्रीज कर दी गई है असिस्टेंस यानी कि सहायता, जितनी पहले सहायता मिलती थी उससे 50% ज़्यादा मिलेगी। और अगर एयर से जाएगा यानी कि हवाई जहाज़ से अगर जाएगा एक्सपोर्ट, तो 100% इंक्रीज कर दी है असिस्टेंस जो पहले सहायता दी जाती थी। अब इससे एडवांटेज क्या होगा? देखो इससे फ़ायदा ये होगा, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हमारे यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकेंगे, क्योंकि देखो जब फ़ायदा ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ेगा, और जिससे क्या है जो फ्रेट और लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने में, तो ये कॉस्ट को भरपाई हो सकेगी जब गवर्नमेंट सहायता करेगी, असिस्टेंस करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग ऑफ चंद्रयान टू। देखो चंद्रयान टू ये 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, 22 जुलाई 2019 ये फेल हो गया था। इसमें ना तीन इक्विपमेंट भेजे थे, एक था रोवर, ये रोवर देखो चंद्रमा के चार ओर घूम रहा है, रोवर सॉरी रोवर नहीं ऑर्बिटर, ये है ऑर्बिटर, ऑर्बिटर घूम रहा है चार ओर, ऑर्बिटर होता है जो ऑर्बिट करता है यानी कि चक्कर लगाता है चार ओर, ये चंद्रमा के चार ओर चक्कर लगा रहा है। एक इसमें भेजा था रोवर। देखो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप में देख रहे हो सोलर पैनल लगे हुए हैं, इसको एनर्जी मिलती है ना, सौर ऊर्जा से एनर्जी मिलती है, बिजली मिलती है इसको। तो ये इसमें तीन इक्विपमेंट भेजे थे, पहला ऑर्बिटर हो गया ये अभी भी घूम रहा है, लेकिन जो एक था रोवर और लैंडर, लैंडर था विक्रम लैंडर और रोवर था प्रज्ञान नाम से, तो ये भाई साहब फेल हो गए थे। देखो एक था लैंडर यानी कि लैंड करता था, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी इसको, लेकिन फेल हो गया, टकरा गया इससे। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि धीरे धीरे उतारना था इस पर चंद्रमा पे जब भेजा था यहाँ से अर्थ से, लेकिन धीरे धीरे नहीं उतरा, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में जाके टकरा गया और टूट गया और बिखर गया, यानी कि इसके जो लैंड करता लैंडर के अंदर ही रखा था रोवर, रोवर का मतलब एक रोबोट हो गया जिसके पहिए लगे हैं, वो घूमता यहाँ मून पे और रिसर्च करता, और यहाँ पे जो भी उसमें कैमरा वगैरह लगा होता नीचे अर्थ पे इमेज वगैरह भेजता सेंड करता, तो ये फेल हो गया था। सिर्फ अभी ऑर्बिटर काम कर रहा है और ऑर्बिटर से कुछ नई फाइंडिंग देखी गई, वो क्या फाइंडिंग देखी गई यानी कि क्या रिसर्च करी इस ऑर्बिटर ने, वो इस न्यूज़ में आया है। जो ऑर्बिटर है चंद्रयान टू मिशन का, ये डेट आपको याद रखनी है, 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था ये मून के इन्वायरमेंट की अभी इन्फॉर्मेशन इसने गैदर की है। कुछ क्या हुआ है देखो, चंद्रयान टू ने ये सेकेंड मिशन है हमारे इंडिया का, इससे पहले चंद्रयान वन मून पे भेजा जा चुका है, और देखो ये फेल हो गया था, सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी लेकिन फेल हो गया था, और इसमें लैंडर और रोवर थे उसने मतलब जब ये लैंड करने वाला था तो कुछ माल फंक्शनिंग हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से क्रैश हो गया था और जाके टकरा गया था और डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था ये। अभी जो ये रिलेवेंट क्यों है, अभी हमारे लिए उपयुक्त क्यों है जब फेल हो गया, क्योंकि इसका ऑर्बिटर काम कर रहा है ना भाई साहब। देखो इसरो ने अभी रिसेंटली इस ऑर्बिटर के जरिए इन्फॉर्मेशन गैदर की है, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर किए हैं, गैदर का मतलब इकट्ठा करना। एक तो देखा है प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन मून, मून पे चंद्रमा पे ये देखा है कि H2O के यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं, ऐसा अभी देखो पहली बार नहीं देखा है, ये इससे पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ चंद्रमा पे पानी उपलब्ध है, और जब पानी उपलब्ध हो सकता है जीवन भी संभव हो यहाँ पे, यहाँ पे लोग रह भी सकें। नेक्स्ट देखा है माइनर एलिमेंट्स का प्रेजेंस देखा है, मतलब जैसे क्रोमियम हो गया, मैग्नीज, ये मेटल है जो सोडियम वगैरह, ये भी यहाँ पे देखा गया कि इनकी प्रेजेंस भी यहाँ पे मून पे है। नेक्स्ट देखा गया कि इन्फॉर्मेशन अबाउट सोलर फ्लेयर, देखो सोलर फ्लेयर के बारे में जानकारी जुटाइए। सोलर फ्लेयर क्या होती है, देखो जो सूरज होता है हमारा सन, सन से कुछ क्या है ना प्लाज्मा निकल रहा होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकल रही होती है, हीट की वजह से वो सोलर विंड लगती हैं, मतलब सूरज से निकलने वाली हवाएं विंड, लेकिन रहती वो एनर्जी है, और सोलर विंड वो वही उसी को बोल देते हैं सोलर फ्लेयर। तो ये माइक्रो फ्लेयर जो सोलर फ्लेयर वगैरह ये कैप्चर किए हैं, यानी कि सन के बारे में भी रिसर्च की जा सकती है इसके जरिए, ये देखा है। नेक्स्ट क्या है कि जो देखो यहाँ पे जो परमानेंटली शैडोड रीजन है, मतलब एक तरह से ये जो भेजा था चंद्रमा की डार्क साइड पे भेजा था, एक तो देखो चंद्रमा की दो साइड है यानी कि एक तो हमें दिखाई देता है
हमेशा चंद्रमा, इसकी दूसरी साइड भी तो होगी, मान लो अर्थ यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं, तो चंद्रमा की ये वाली साइड दिखाई देगी हमें, जो दूसरी वाली साइड है ये वाली साइड हमें दिखाई नहीं देगी, तो डार्क साइड पे हमने भेजा था। तो इसके कुछ एक्सप्लोरेशन किए हैं, यहाँ पे क्रेटर वगैरह, बाउल्डर वगैरह, क्रेटर बोलते हैं जैसे मान लो कोई ज्वालामुखी फूटता है, यानी कि वॉलकैनो की बात कर रहे हैं हम, जब मैग्मा निकलता है अर्थ से, वॉलकैनो निकलता है, तो वॉलकैनो के साथ कुछ मिनरल्स आते हैं, आग निकलती है, तो उसकी वजह से क्या है, अर्थ पे एक ऐसी झील सी बन जाती है जो ओपनिंग होती है जहाँ से निकलता है ये वॉलकैनो, इस झील को ही बोलते हैं क्रेटर, क्रेटर लेक भी बोल देते हैं। तो क्रेटर, बाउल्डर्स, पत्थर वगैरह यहाँ पे, और शेडोड रीजन को एक्सप्लोरेशन किया है यहाँ पे, और 3 से 4 मीटर डेप्थ पे यहाँ पे टॉप सरफेस पे देखा जा सकता है, यानी कि जब आगे फ्यूचर में हम कोई इक्विपमेंट वगैरह, कोई मान लो सेटेलाइट वगैरह भेजेंगे, मिशन भेजेंगे, तो आगे हमें ये फायदा करेगा, ये जो फाइंडिंग हमें मिली है। चंद्रयान 2 मिशन के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो ये मून पे डार्क साइड की तरफ भेजा था, ये डार्क साइड आपको याद रखनी है, जो हमें दिखाई देती है साइड उसकी तरफ नहीं भेजा था, दूसरी साइड डार्क साइड की तरफ भेजा था 22 जुलाई 2019 को। इसमें साइंटिस्ट ने यूज किया था सोलर एक्सरे मॉनिटर को, ये चंद्रमान 2 पे लगा हुआ था ये इक्विपमेंट, सोलर एक्सरे मॉनिटर। और इससे क्या है, सोलर एक्सरे मॉनिटर से सन की स्टडी भी की जा सकती है, सन की बारे में रिसर्च की जा सकती है, सूरज के बारे में। इसमें का प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये था चंद्रयान 2 का कि हमें अपनी कैपेबिलिटी दिखानी थी इंडिया को कि हम भी सॉफ्ट लैंडिंग कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे कोई ऑब्जेक्ट को उतार सकते हैं, लेकिन उतरा नहीं भाई साहब, हम कर नहीं पाए, वो फेल हो गया। इसमें 3 इक्विपमेंट थे, एक तो ऑर्बिटर जो घूम रहा है चारों ओर जो हमने ऊपर देखा, और ये क्या, ये इसका जो नाम रखा था जो ऑर्बिटर का, वो विक्रम है, विक्रम सारा भाई जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे विक्रम रखा था। एक है लैंडर जो लैंड करता था, और एक प्रज्ञान जो रोवर, प्रज्ञान रोवर जो चलता होता वहाँ पर चलता है जाके रोवर, और ये प्रज्ञान विजडम, मतलब प्रज्ञान का मतलब होता है इंग्लिश में विजडम, और ये रोवर था प्रज्ञान का नाम, मतलब जो रोवर था रोवर का नाम प्रज्ञान था, जो चलता वहाँ पर और रिसर्च करता, उसमें पहिए लगे हुए थे लेकिन वो फेल हो गया। एक चीज़ याद रखनी है कि चंद्रमान 2 ही ये पहला मिशन नहीं है जिसने मून पे वाटर की प्रेजेंस देखी है, पहले चंद्रयान 1 जो हमने भेजा था उसने भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी कि चंद्रमा पे पानी है। दूसरा एक नासा का मिशन था ये क्लेमेंटाइन, इसने भी कहा है, इसके द्वारा भी पता लगाया गया कि वहाँ पे पानी हो सकता है, एक लूनर प्रोस्पेक्टर था मिशन ये नासा के, इसने भी देखा था। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज। देखो रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि रेलवे जो अभी गवर्नमेंट चलाती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको प्राइवेट हाथों में दे देना, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देना, कोई भी खरीद सकता है, आपके पास पैसा हो तो आप खरीद लो, फिर प्राइवेट कंपनियां चलाएंगी इसको जब हो जाएगा। लेकिन इस प्राइवेटाइजेशन का जो अभी फैसला लिया है गवर्नमेंट ने, इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में। नॉर्थ वेस्ट रेलवेज के जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉय जो उसकी यूनियन बनी हुई है, संगठन, जैसे संगठन बना होता है, तो एम्प्लॉयज यूनियन ने, जो कर्मचारी की यूनियन है, उसने विरोध किया है इसका प्राइवेटाइजेशन का, इसलिए न्यूज में आया। प्राइवेटाइजेशन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है इसका? देखो लक्ष्य ये है कि रेलवे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना ज़्यादा से ज़्यादा, और जो रिड्यूस ट्रांजिट टाइम, जो भी जैसे ज़्यादा टाइम लगता है आपको भी पता है, एक एक दो दो घंटे लेट चल रही होती है हमारे इंडिया में ट्रेन, वो टाइम कम करना। बूस्ट जॉब क्रिएशन, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब और क्रिएट करना, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। इनहेंस सेफ्टी, जो भी अभी इतनी ज़्यादा रेल एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, तो इस सेफ्टी इनहेंस करना ताकि रेलवे के जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं कम हो। पैसेंजर के लिए वर्ल्ड क्लास जो क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, साफ सुथरा क्लीन इन्वायरमेंट हो रेलवे में, और जो डिमांड सप्लाई डेफिसिट है उसको भी रिड्यूस करना। कभी कभी ऐसा होता है भाई साहब, पैसेंजर बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन वहाँ पर ट्रेन होती नहीं है उपलब्ध, तो ये जो डिमांड सप्लाई का जो डेफिसिट है, घाटा है, इसको रिड्यूस करना। अब इसके फायदे क्या हैं, प्रोज, प्रोज का मतलब बेनिफिट, फायदे। देखो एक तो इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि देखो सही बात है बिल्कुल, जब प्राइवेट हाथों में आ जाएगी, प्राइवेट कंपनियां क्या करती हैं, उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है भाई साहब, रोड, बिल्डिंग वगैरह, जैसे वहाँ पे अब रेलवे पे भी ले लेंगे तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह, रेलवे वगैरह साफ़ सुथरी रहेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। नेक्स्ट कि बैलेंसिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस, जब देखो हाई फेयर जब लेंगी, ज़्यादा किराया बढ़ाएंगी, तो ये क्वालिटी भी देंगी रेलवे के साथ, ऐसा नहीं होगा कि अभी रेलवे में जो क्वालिटी ऐसी रहती है, गंदा हुआ रहता है वो रेलवे वगैरह का प्लेटफॉर्म वगैरह, तो ये सब कुछ नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि लेसर एक्सीडेंट, देखो एक्सीडेंट भी कम होंगे, क्योंकि देखो प्राइवेट ओनरशिप का क्या मतलब होता है, उसका मतलब तो होता है कि बेटर मेंटेनेंस, प्राइवेट का मतलब यही होता है, मेंटेनेंस अच्छे से होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या, एक बार बना दी फिर मेंटेनेंस का भूल जाते हैं, तो ये मेंटेनेंस अच्छे से हो सकेगी। लेकिन इसके कॉन्स भी हैं, कॉन्स का मतलब है नुकसान, डिसएडवांटेज, डीमेरिट, ये क्या है, देखो कवरेज लिमिटेड टू लुक्रेटिव सेक्टर, देखो ऐसा होता है कि जो प्राइवेट हाथों में देंगे तो प्राइवेट कंपनी क्या है, वो तो भाई साहब प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उन्हें तो फायदा चाहिए, और वो ऐसी जगह पर ट्रेन चलाएंगी जहाँ उन्हें ज़्यादा फायदा हो, जहाँ पे पैसेंजर नहीं है वहाँ पे क्यों चलाएंगी वो ट्रेन, तो ये क्या है, कनेक्टिविटी वहीं पे ज़्यादा होगी जहाँ पे ज़्यादा
फायदा उन्हें दिखेगा, जहाँ पे ज़्यादा फायदा है वहीं पे कनेक्टिविटी होगी। नेक्स्ट है कि फेयर। देखो प्राइवेट कंपनी का जो काम है प्रॉफिट ही है, और प्रॉफिट रेलवे में किससे होता है, किराए से होता है, और किराए जब ये प्राइवेट कंपनी आएंगी तो किराया बढ़ा देंगी, यानी कि जो पुअर पीपल हैं भाई साहब, जो ये जो मैसेज था, मतलब एक तरह से टारगेट था रेलवे का, ये था कि पुअर से पुअर पीपल भी इसमें मतलब यात्रा कर सकें, क्योंकि आप सबको पता है बस से बहुत ज़्यादा कम इसका चार्जेस होता है, फेयर मतलब किराया बहुत कम होता है ट्रेन का। जब ये प्राइवेट हाथों में चले जाएंगी भाई साहब, किराया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फेयर हाइक कर देंगी वो। अब फिर ये पुअर पीपल की रिच से ये बाहर हो जाएगा, पहुंच से बाहर हो जाएगा, पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, एक ये नुकसान है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी की किसकी फिक्स होगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज तो क्या है, अपने जो सारा इनका गवर्नेंस सिस्टम है वो डिस्क्लोज नहीं करती किसी के सामने, सीक्रेट रहता है इनका। तो अकाउंटेबिलिटी देखो गवर्नमेंट की तो फिक्स की जा सकती है, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स होगी, जब मान लो कोई नुकसान होगा या कोई और ज़्यादा मान लो एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और अनबन हो जाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है कि अब जो रिसेंट डिसीजन लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, क्या क्या डिसीजन लिए हैं इसके रिगार्डिंग। देखो जुलाई 1, 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 151 ट्रेन 109 पेयर ऑफ रूट्स पे चलाने का अभी डिसीजन लिया है। मतलब जो अभी 2800 एक्सप्रेस हैं हमारे इंडिया में, उनका केवल 5% ये ट्रेन है जिसका अभी डिसीजन लिया है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाएगा, प्राइवेट कंपनियों को बेचा जाएगा। जो प्राइवेट ट्रेन्स हैं ये स्टार्ट करेंगी पहला अपना, मतलब 2023 से ये स्टार्ट करेंगी अपना ऑपरेशन चलाना, मतलब ट्रेन वगैरह चलाना। नेक्स्ट है कि जो प्राइवेट कंपनी चाहिए इनको फ्रीडम मिल जाएगी, वो लोकोमोटिव्स वगैरह या ट्रेन वगैरह खुद खरीद सकेंगी और चला सकेंगी। रेलवेज ने इनवाइट किया है कि अभी क्वालिफिकेशन प्रपोजल के लिए ये इन्वाइट किया है लोगों को, जो भी प्राइवेट कंपनीज वगैरह हैं वो खरीदना चाहें। एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि देखो फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑलरेडी चल चुकी है हमारे इंडिया में, जिसका नाम है तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस हमारे इंडिया में प्राइवेट ट्रेन है जो चल चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना उड़ान स्कीम। उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। देखो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अभी अनाउंस किया है कि अगले नेक्स्ट 100 डेज में कुछ और नए रूट्स इंक्लूड किए जाएंगे, 50 नए रूट्स उड़ान में। देखो इसमें ये क्या था, उड़ान स्कीम जब लॉन्च की थी इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है भाई साहब, आप देख सकते हो, या तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में होगा या फिर आपका अदर इंपॉर्टेंट की प्लेलिस्ट में होगा, जो टॉपिक की है अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट है। उड़ान 1, 2, 3, 4 सारी दिया हुआ है इसमें, सिर्फ अभी हम रिसेंटली क्या हुआ है वो पढ़ेंगे। 50 नए रूट इंक्लूड किए गए इसकी, जो इसमें ये था कि जो भी मान लो ऐसे अंडर सर्व या अंडर रिजर्व, जो भी अंडर सर्व और या अनरिप्रेजेंटेड जो भी एयरपोर्ट थे, मतलब ऐसे रिमोट एरियाज थे जहाँ पे एक भी फ्लाइट नहीं चलती थी, जहाज नहीं चलता था, तो वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ पे फैसिलिटी उपलब्ध कराना, और वो जहाँ पे रूट ये एक तरह से ऑपरेशनल रखना, वहाँ पे भी हवाई जहाज चल सकें, फ्लाइट चल सकें। और इनमें क्या है, जो गरीब लोग हैं, उड़े देश का आम नागरिक का मतलब है जो गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, वो भी अफोर्ड कर सकें, यानी कि 1 घंटे की कोई फ्लाइट है तो उसका चार्जेस 2500, मतलब 2500 रुपये उसकी फीस रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। और उसमें क्या है, गवर्नमेंट जो भी मान लो प्राइवेट कंपनी वगैरह जहाज वगैरह उनके हैं चलाते हैं, तो उनको जितना नुकसान होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उनकी भरपाई करेंगे, लेकिन उनकी उनमें क्या है, कम से कम आधी सीट है, हाफ सीट जहाज में वो उड़े देश का आम नागरिक के तहत रिजर्व रखनी है ऐसे लोगों के लिए जो पुअर पीपल हैं, वो अफोर्ड कर सकें। तो इसमें क्या है, जो वैल्यू एडिड टैक्स है वो भी रैशनलाइज किया, और एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे जो वैट लगता है ना वो कम रखा। देखो जो ATF है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये GST के दायरे में नहीं आता, जैसे पेट्रोल डीजल नहीं आते, और जो ये जहाज़ों में फ्यूल यूज होता है ये भी पेट्रोलियम ही होता है, मतलब पेट्रोल ही होता है ये भी, लेकिन उसको एविएशन टर्बाइन फ्यूल बोलते हैं, उसे थोड़ा और रिफाइन वगैरह कर देते हैं, तो इस पर वैट लगता है, टैक्स है वैल्यू एडिड टैक्स, इस पर GST वगैरह नहीं लगता। तो इसमें भी रेशनलाइज किया है कि इस पर कम लगाया जाए टैक्स, ताकि जो कंपनी है ये जहाज उड़ाने वाली उनको फ़ायदा हो और वो कम किराया रख सकें। तो उड़े देश का आम नागरिक स्कीम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्या है, ये आप एक बार देखो पढ़ लेना, नेशनल एविएशन सिविल एविएशन पॉलिसी ने ये लॉन्च की थी 2016 में, ये पॉज करके आप एक बार पढ़ लेना इसे। और इसमें जो फंडिंग दी जाती है वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, इसमें पैसा दिया जाता है, इसका मतलब ये है वायबिलिटी गैप फंडिंग का, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसमें पैसा देते हैं जॉइंटली, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। इसमें आगे भी स्कीम को 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है अगर इसमें फ़ायदा दिखा। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर 2019 में इसका फोर्थ वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें रिमोट एरियाज, हिली स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या आइलैंड, ये जोड़े थे कि वहाँ पे भी ऐसे एयरपोर्ट हों, और वहाँ पे एयरपोर्ट होने के साथ साथ वहाँ पे फ्लाइट चलाई जाएँ। इसमें क्या है, जो भी मतलब डेवलप किया जाता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें भी वायबिलिटी गैप फंडिंग के जरिए ये प्रायोरिटी दी जाती है कि उसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। नेक्स्ट है कि उड़ान 4 के अंदर क्या है, जो हेलीकॉप्टर और सी प्लेन्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया। देखो बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे पहाड़ वगैरह बने हुए हैं,
और या फिर वहाँ पे ऐसा हिली एरिया आ जाए उबड़ खाबड़, समझ रहे हो, वहाँ पे एयरपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे क्या है, हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जाए। यानी कि देखो हेलीकॉप्टर को तो ऐसा थोड़ी नहीं है, जहाज़ तो पहले भाई साहब उसे रनवे चाहिए उसके लिए, तो मतलब पहले ज़मीन पे चलेगा बस की तरह और फिर उड़ान भरेगा, यानी कि रनवे चाहिए, और उतरेगा तब भी ऐसा रनवे चाहिए, उतरेगा चलेगा फिर धीरे धीरे वो मतलब उसकी स्पीड डाउन होगी, कम होगी। लेकिन हेलीकॉप्टर तो यहीं उतरा, यहीं से उड़ान भर ली, यहीं पर कहीं पर उतार दिया। तो हेलीकॉप्टर हो गया, सी प्लेन्स हो गए, जहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह है, जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बना जा सकते, रनवे वगैरह नहीं बनाए जा सकते, तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर के जरिए सर्विस प्रोवाइड करनी थी उड़ान फोर के जरिए। तो ये नोट कर लेना, जो ATF है GST के दायरे में नहीं आता, यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जो जो ईंधन यूज होता है जहाज़ वगैरह में, वो GST के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन है, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या उनका प्रभाव पड़ रहा है, ये एक नई स्टडी की गई है। यानी कि फॉसिल फ्यूल का क्या मतलब होता है, जैसे आपका जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल है, जिनकी वजह से पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कार वगैरह में जब हम ये पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो उससे धुआं निकलता है, उसमें क्या पॉल्यूशन होता है, यानी कि पॉल्यूशन है, वो प्रदूषण है वायु को, मतलब एयर पॉल्यूशन है, एयर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये फॉसिल फ्यूल की वजह से जो जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन का मतलब ज़मीन से हम जो पेट्रोलियम वगैरह निकाल रहे हैं, तो इससे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये नई स्टडी देखा गया है। देखो 2015 में एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, UNFCCC, देखो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके, जहाँ पे सिंपल CSC आपके नीचे लिखा होगा, जहाँ पे वीडियो चल रही है, सिंपल CSC पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसमें जाओगे इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में, ENV लिखा होगा, इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके UNFCCC का लेक्चर देख लेना, पेरिस क्लाइमेट डील 2015 की क्या है, पूरा डिटेल में बताया गया है। देखो ये थी कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, वो क्या उसको डिक्रीज करना था, मतलब उसे कॉन्स्टेंट करना था। ऐसा नहीं है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था ना, प्री इंडस्ट्रियल लेवल भाई साहब उसे बोलते हैं जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लगभग 1760 से, 1760 से ब्रिटेन में स्टार्ट हुई थी। तो इससे पहले जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर था वो मेंटेन रखना, मतलब उससे ना 0.1 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं बढ़ने देना। मान लो जब था ग्लोबल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है 16.5 से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, ये टारगेट रखे था पेरिस डील जब हुई थी, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट 2015 का। तो इसमें ये देखा गया है, जो ये टारगेट रखे गए थे ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का, ये अचीव नहीं कर सकते अगर इसी तरह से इसी रेट से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा फॉसिल फ्यूल। तो यही लिखा है इसमें सारा कुछ जो हमने अभी डिस्कस किया, इसकी ये रखा है कि अगर ग्लोबल जो कॉस्ट आती है ना एयर पोल्यूशन की वजह से फॉसिल फ्यूल जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो लगभग पर ईयर $2.9 ट्रिलियन की आती है। यानी कि पर डे जो अगर हम देखें $8 बिलियन, यानी कि 3.3% जो वर्ल्ड की GDP है, इतनी कॉस्ट आती है एक साल में। ये इसका मतलब ये हुआ पॉल्यूशन से कैसे कॉस्ट आएगी, देखो पॉल्यूशन जब होगा तो लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, ये बीमारियां होंगी, और जो क्या है जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो क्या है टेम्परेचर का बढ़ना, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो जो आइस शीट्स हैं, यानी कि ग्लेशियर वगैरह हैं, वो पिघल जाएंगे, इनकी वजह से आइलैंड वगैरह डूबेंगे, ये नुकसान होगा, इनके लिए फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और पॉल्यूशन की वजह से जो बीमारी वगैरह होंगी उनके लिए भी तो पैसा खर्च होगा। तो इनमें जो पैसा खर्च होगा ना, वो पैसे की एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि $2.9 ट्रिलियन पर ईयर का नुकसान होगा फॉसिल फ्यूल के वजह से, जो पॉल्यूशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड, यानी कि इंडिया का जो एस्टिमेट लगाया गया है फॉसिल फ्यूल की वजह से जो पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन, इंडिया को नुकसान होगा $150 बिलियन का। अब चैलेंजेस क्या हैं इसके सामने, देखो चैलेंजेस ये है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ये टेम्परेचर ऑलरेडी राइज कर चुका है 1 डिग्री सेल्सियस तक। करंटली क्या है, ये जो इमिशन टारगेट रखा है, अगर इसी तरह से हम चलते रहे पॉल्यूशन होता रहा, तो 1.5 डिग्री का जो टारगेट है इसे अचीव नहीं कर पाएंगे। अब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो टारगेट सेट किया गया था, यही किया गया था, लगभग 195 या 196 कंट्रीज यहाँ पे मिली थी 2015 में, पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे एक एग्रीमेंट समझौता हुआ था इन कंट्रियों ने, मतलब सारी कंट्रीज ने मिलकर किया था, कि हम क्या है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो भी टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस था, उससे 1.5 डिग्री ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, समझ गए, मतलब उससे नीचे रखना है, और हो सके तो 2 डिग्री सेल्सियस तक और नीचे करके रखना है, इतना टेम्परेचर कम रहे। नीड क्या है अभी करने की इंडिया के लिए, मतलब इंडिया को कौन से स्टेप लेने चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए, एक तो ये है, देखो जो डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन है, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पेट्रोलियम तेल वगैरह क्रूड ऑयल हम पृथ्वी से जो निकाल रहे हैं उसे रिड्यूस करें। नेक्स्ट है कि जो जितनी हमारे पास प्रोड्यूसिंग फील्ड है,
मतलब ऐसी फील्ड है जो ऑयल वगैरह जहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे असम में है, असम में जो फील्ड है, या फिर आपके गुजरात में है। तो ये जिनसे पेट्रोलियम वगैरह निकाला जाता है उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, मतलब उनमें ही ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, तो उत्पादकता वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम इनपुट लें वहाँ से। नेक्स्ट है कि स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाए इंडिया। स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब है कि हमारे पास 15-20 दिन 1 महीने के लिए ऑयल उपलब्ध हो, जमा करके रखें हम कहीं पे पृथ्वी में, मान लो खोद के बना दें स्टोरेज फैसिलिटी और स्टोर करके रखें पेट्रोलियम को। नेक्स्ट है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाएं, पब्लिक सेक्टर जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं उनकी जो रीस्ट्रक्चर करें, उन्हें रीऑर्गेनाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रिप्टो करेंसी एंड रिलेटेड इश्यू। देखो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है हिडन करेंसी, यानी कि छुपी हुई करेंसी, यानी कि डिजिटल करेंसी भी बोल सकते हो। ये डिजिटल करेंसी का मतलब ये हो गया भाई साहब, क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी, कि देखो जैसे मान लो आप अपने फ़ोन में कोई गेम खेलते हो, मान लो लूडो खेल रहे हो, लूडो खेलने पे आपको पैसे कॉइन मिलते हैं ना, कॉइन वो क्या है, डिजिटल करेंसी है वो। देखो वो कोई RBI ने यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की गई या RBI के द्वारा इशू की गई कोई करेंसी थोड़ी नहीं है, मुद्रा थोड़ी नहीं है। जैसे पैसे 10, 5, 15, 20 ये जो नोट हैं, 15 का तो खैर नोट है नहीं, 10 का, 20 का, 50 का, 100 के जो नोट है RBI इशू करता है, तो ये कॉइन तो इशू नहीं करता ना। यानी कि ये जो आपके मोबाइल पे एप्लीकेशन है लूडो उसी पे सेव है, उन्हें आप क्या है कॉइन का ऐसा रहता है कि आप उन्हें रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी मान लो जिसकी भी आदमी की जो मालिक है लूडो का, उसने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है कि आप जब भी मान लो उनसे कुछ शॉपिंग कर सकते हो कॉइन से, या आपने बैंक में उन मान लो 50 कॉइन आपने जीते लूडो खेल के, तो वो क्या है फिर वो उनको आप कितनी रुपी में कितनी वैल्यू है, 10 रुपये वैल्यू है या 50 कॉइन की आपकी 100 रुपये वैल्यू है, उस हिसाब से आप कन्वर्ट करा सकते हो उन्हें रुपीज़ में। तो इस तरह के डिजिटल कॉइन होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जब भी आप शॉपिंग मॉल में जाते हो कुछ खरीदते हो, मान लो रिलायंस फ्रेश से आप कुछ खरीद रहे हो, तो उससे आपको एक कार्ड बना के दे देते हैं, जितने आप जितनी बार शॉपिंग करोगे आपके कॉइन इकट्ठा होते जाते हैं, वो कॉइन को आप रुपी में कन्वर्ट करा सकते हो, समझ रहे हो। इस तरह के मान लो डिजिटल करेंसी रहती है, मतलब फिजिकल फॉर्म में नहीं रहती, जैसे आपके हाथ में 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, ऐसे नहीं रहता, इंटरनेट पे सेव रहती है आपकी एप्लीकेशन वगैरह में। तो ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, उन्होंने अभी क्या है कंसर्न जताई है, परेशानी कि भाई साहब जैसी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल करेंसी, के इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड ये है जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, इसके क्या है हाईली वॉलेटाइल है, मतलब इसका प्राइस कुछ समय पहले मान लो एक बिटकॉइन का दाम था मान लो $100, और अगले दिन देखा एक बिटकॉइन का मतलब $20 हो गया, मतलब वॉलेटाइल है, बदलती रहती है। तो इसलिए क्या है इससे लोगों को नुकसान हो सकता है जो भी लोग कंपनी वगैरह बिटकॉइन में डील करते हैं। अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है हमारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का, क्या हमारे इंडिया में कोई क्रिप्टो करेंसी चलाई जाती है RBI के द्वारा? हमारे अभी देखो इंडिया में कोई करेंसी ऐसी नहीं है। अभी एक पैनल बैठा है यानी कि कमेटी बैठी है कुछ मेंबर की मिलके, इंटर मिनिस्टर पैनल, उसने क्रिप्टो करेंसी के बारे में रिकमेंड दिया है। उसने कहा है जितनी भी देखो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी चल रही है ना उन सब पे बैन लगाया जाए, और कोई स्टेट द्वारा चलाई गई यानी कि RBI द्वारा रजिस्टर कोई क्रिप्टो करेंसी हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस की जाए, ऐसा बोला है इस पैनल ने। RBI ने देखो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग इशू रेज किए थे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए, लेकिन 2020 में मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने RBI के इस डिसीजन को, देखो RBI ने बैन लगा दिया था क्रिप्टो करेंसी पे 2018 में, लेकिन इस डिसीजन को कैंसिल कर दिया और दोबारा से जो भी आदमी क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे थे उसको स्टार्ट कर दिया था। क्रिप्टो करेंसी हालांकि है क्या, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी हो मान लो एग्जाम में आ जाए मेंस में, तो ये लिखोगे क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, ये इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी की तरह मतलब इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है, इस पर काम करती हैं, और इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का मतलब होता है हिडन। जैसे मान लो आपका व्हाट्सअप का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, मान लो एक आदमी ए है बी है, इसका मोबाइल से व्हाट्सअप पे मैसेज भेज रहा है, वो भी इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है, यानी कि जब ये भेज रहा है इसने लिखा, इसने मान लो लिखा तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, देखो तुम कैसे हो, जब ये मैसेज जा रहा है तो बीच में यहाँ पर जा रहा है, बीच में अभी पहुँचा नहीं है, तो बीच में जब ये मैसेज रहेगा तो ये क्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, इनक्रिप्टेड यानी कि हिडन फॉर्म में, यानी कि मान लो कोई जैसे स्टार लगा है या फिर ये बना है @ या ऐसे कुछ फॉर्म बनी रहेगी, यानी कि तुम मतलब तुम कैसे हो ये नहीं लिखा रहेगा, ये तो जब आपके मोबाइल में पहुंचेगा तब लिखा आएगा तुम कैसे हो, समझ रहे हो, मतलब बीच में ये जो रहेगा हिडन रहेगा, तो इसी को बोलते हैं इनक्रिप्शन यानी कि हिडन, कोई दूसरा इसे पढ़ नहीं सकता, सिर्फ जिसके आदमी के पास भेजा वही पढ़ सकता है और दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता। तो ये क्रिप्टो करेंसी भी वही रहती है इनक्रिप्टेड यानी कि इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड रहती है, यानी कि ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी है ना जो उसको यूज करती हैं, क्योंकि ब्लॉक चैन जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या है इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी। ये
मान लो कोई यूनिट ऑफ करेंसी जनरेट करनी होती है, उसको ट्रांसफर ऑफ फंड वगैरह या ऑपरेटिंग जो है सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि देखो सेंट्रल बैंक अभी इसे रेगुलेट नहीं करता। जैसे आपके रुपए वगैरह इशू होते हैं, 10 रुपये 20 रुपये का नोट, इसे सेंट्रल बैंक इशू करते हैं ना, ये कोई सेंट्रल बैंक से इंडिपेंडेंट होती है, सेंट्रल बैंक इसे रेगुलेट नहीं करता। तो ये जैसे बिटकॉइन, ये इथेरियम, ये एग्जाम्पल हैं, ये डिजिटल करेंसी हैं, क्रिप्टो करेंसी हैं। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, देखो मान लो अभी इंटरनेट पे मान लो कंप्यूटर है, ये एक कंप्यूटर, इस पे 10 आदमी जुड़े हुए हैं। अब मान लो नेक्स्ट आदमी को जोड़ना हो तो रिक्वेस्ट जाएगी, भाई साहब एक आदमी रिक्वेस्ट भेजेगा कि मान लो मुझे ए आदमी को जोड़ना है इसमें, तो सारे आदमी मान लो 10 के 10 आदमी पे जाएगा मैसेज, 10 के 10 आदमी उसे क्या है जब परमिशन दे देंगे तभी दूसरा आदमी, ये नया आदमी जो 11वां वो जोड़ा जाएगा। ये क्या है, इसमें जब जोड़ते हैं तो ऐसे ब्लॉक से बन जाते हैं, इसमें ब्लॉक ऐसे ब्लॉक बन जाते हैं। मान लो 10 ब्लॉक थे, पहले 10 आदमी थे तो इसमें 10 ब्लॉक थे, ऐसे 10 ब्लॉक बने हुए थे। तो अब 11वां जब जुड़ेगा तो एक ब्लॉक और जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो 11वां जुड़ गया। तो ये ब्लॉक ब्लॉक से बन जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा MS एक्सेल यूज करते हो ना, आपके कंप्यूटर वगैरह में एक्सेल होता है, MS एक्सेल होता है जिसपे आप फाइल बनाते हो, कुछ मतलब अकाउंटिंग वगैरह करते हो, तो ऐसे डिब्बे डिब्बे से बन जाते हैं। और ये ब्लॉक जो होते हैं इनकी वजह से इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और देखो ब्लॉक की एक चेन सी बन गई, एक चेन बन गई ना, लंबी चेन, 1 2 3 4 ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, चेन सी बन जाती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसलिए नाम रखा है। और देखो इसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि देखो जब भी ट्रांजेक्शन करनी है, नया बंदा जोड़ना है, या देखो पैसे भी मान लो बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करना है, जैसे ये था ABCD आदमी थे, ये जो आदमी ने ए ने ट्रांजेक्शन की बी को, तो जब ये ट्रांजेक्शन करेगा बिटकॉइन भेजेगा तो ये ना सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, जब सब लोग ये क्या है ना परमिशन दे देंगे तभी जाके ट्रांजेक्शन होगी, तभी जाके ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में बिटकॉइन जाएगा जब सब परमिशन दे देंगे। यानी कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी है इसे, कोई मतलब हैकिंग करने का बहुत कम चांसेस है इसका। तो ये जो RBI है इस बिटकॉइन के अगेंस्ट मतलब क्यों है, ये क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट क्यों है यूज के, मतलब RBI क्यों अपोज करता है कि क्रिप्टो करेंसी यूज़ नहीं करी जानी चाहिए, उसका एक रीज़न है सॉवरेन गारंटी। देखो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कंज्यूमर के लिए रिस्क है, क्योंकि देखो इसे कोई लीगल, ये टेंडर तो है नहीं, लीगल टेंडर का मतलब जैसे RBI इशू करती है रुपया, जो 10 रुपये 20 रुपये के नोट वो लीगल टेंडर है, उन्हें तो भाई साहब अगर आप जाओगे उस पर लिखा रहता है ना कि गारंटी देता है RBI का गवर्नर, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसा लिखा रहता है ना इंग्लिश में भी, आई प्रॉमिस टू गिव 10 रुपीज़ ऑफ वैल्यू, जो इस पर लिखी होती है ऐसा कुछ लिखा होता है। तो वो अगर आप 10 रुपये है, अगर 10 रुपये आपका मान लो आप 10 रुपये RBI के पास लेके जाओगे तो 10 रुपये की वैल्यू आपको देगा उस पर 10 रुपये लिखा है तो। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी का तो कोई लीगल टेंडर है नहीं, RBI ने तो इशू की नहीं है, एक ये कंज्यूमर के लिए रिस्क है, इसका खतरा है, कल को मना कर दे कोई कंपनी मान लो तो कि भाई साहब बिटकॉइन नहीं ले रही, तो किसके पास जाएगा ये, क्योंकि कोई ना गवर्नमेंट सहायता करेगी ना RBI, कहाँ रोएगा अपना रोना। नेक्स्ट है कि मार्केट वॉलिटिलिटी, देखो मार्केट वॉलिटिलिटी का मतलब है कि बिटकॉइन की जो डॉलर में जो कीमत निकालते हैं वो क्या है ना घटती बढ़ती रहती है बहुत ज़्यादा। जैसे 2017 में हम देखें, दिसंबर 2017 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 के बराबर थी, लेकिन नवंबर 2018 में एक डॉलर की वैल्यू 3,800 आ गई, समझ रहे हो, जैसे शेयर का दाम घटता बढ़ता रहता है ना, इसका भी दाम घटता बढ़ता रहता है। तो इसकी वजह से अब देखो जिनका 20,000 की वैल्यू थी कितना नुकसान हुआ होगा जिनके पास बिटकॉइन था। नेक्स्ट है कि रिस्क इन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में रिस्क ऐसा है भाई साहब, देखो इसके क्या है ना, हर एक आदमी के पास अलग अलग पासवर्ड होता है जब ये क्रिप्टो करेंसी का, अगर वो पासवर्ड क्या है ना भूल गया तो फिर वो अपना अकाउंट ना एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आपके कंप्यूटर का पासवर्ड गुम हो गया तो आप फिर खोल नहीं सकते, इसी तरह से ये है, यानी कि दोबारा से इसे दोबारा से रीसेट भी नहीं किया जा सकता। जैसे बैंक का अकाउंट खोलते हो, इंटरनेट बैंकिंग, आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए, उसमें रहता ना ऑप्शन फगेट द पासवर्ड, वो डाल के आप इन्फॉर्मेशन डालोगे आपको दूसरा पासवर्ड भेज देगा बैंक, लेकिन इस पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो ये भी सिक्योरिटी से, पासवर्ड भूल गए तो आपके सारे बिटकॉइन चले गए भाई साहब पानी में, बंद रखा गया फिर। नेक्स्ट है कि मालवेयर थ्रेट, देखो मालवेयर थ्रेट का मतलब है कि जैसे क्या है, जो वायरस वगैरह मान लो कोई अटैक कर दे, या फिर कोई मान लो इसमें क्या है कोई हैकिंग कर ले, क्योंकि देखो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और जो वॉलेट वगैरह होता है एक टेक्निकल सर्वर होता है, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड जो प्रोवाइड करता है, एक जगह इनका सर्वर होता है, और उस सर्वर को अगर मान लो कोई हैक कर ले या मालवेयर हैक मालवेयर अटैक कर दे वायरस वगैरह, तो वो सारा डेटा ना सारा डेटा खत्म है भाई साहब फिर। नेक्स्ट है कि मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस काले मनी को वाइट मनी में, यानी ब्लैक मनी को वाइट मनी में करने का प्रोसेस, जो काला धन कमाया भाई सब लोगों ने, टैक्स वगैरह नहीं भरा है, इलीगल मनी है जो अवैध मनी, उसको भी ये क्या है बिटकॉइन के जरिए वाइट मनी में बदला जा सकता है, तो मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में ये प्रमोट कर सकता है इसको।
नेक्स्ट इसमें एक ये है कि एससी गर्ग कमेटी थी, एक रिकमेंडेशन दी थी 2019 में क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो क्या इसने सिफारिश की थी, रिकमेंडेशन की थी। इसने कहा था देखो जो भी मान लो कोई भी क्रिप्टो करेंसी किसी भी फॉर्म में हमारे इंडिया में, उसे बैन कर दो, और अगर इनमें कोई मान लो कोई भी मान लो ट्रेडिंग करे एक क्रिप्टो करेंसी में, उसे 10 साल की सजा दो, उस पर फाइन लगाओ, और जो फाइन लगे पेनल्टी वो जितना भी किसी को क्रिप्टो करेंसी करने में नुकसान हुआ है उस नुकसान का 10 गुना हो, या जिसने जिसको फायदा हुआ है। देखो दो आदमी होंगे ना क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रेड कर रहे हैं, ए और बी, एक को नुकसान हुआ होगा एक को फायदा, जिसको नुकसान हुआ उसका 10 गुना ज़्यादा पेनल्टी लगाओ उस पर, या जिसको ज़्यादा फायदा हुआ है, फायदा ज़्यादा तो फायदा पे 10 गुना पेनल्टी लगाओ, नुकसान ज़्यादा तो नुकसान पे पेनल्टी 10 गुना लगाओ, ये एक ऑप्शन दिया था। नेक्स्ट कहा था कि देखो बैन तो लगाओ लेकिन क्या है आरबीआई द्वारा कोई क्रिप्टो करेंसी जारी की जा सकती है जिसे आरबीआई कंट्रोल करे, ये ऑप्शन दे दिया था एससी गर्ग कमेटी ने। तो ये भी आपको याद रखना है इसमें, और इतने ही टॉपिक थे आज के हमारे।